प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जम्मू कश्मीर के गांवों की तस्वीर व तकदीर बदलना शुरू हो गई है। केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत गांव-गांव में सड़कों का निर्माण हो रहा है। योजना के तहत हर उस गांव को सड़क के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है जिसकी आबादी 250 से अधिक है। आज तक ये गाँव देश दुनिया से कटे थे और शायद यही कारण है कि विकास की मुख्य धारा में भी शामिल नहीं हो सके। आज इन गाँव तक सड़क पहुँचने से ग्रामीण अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं व अपने उत्पादों को बेचने के लिए शहरों तक पहुंच पा रहे हैं। इससे यहां उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, वहीं आमदनी भी बढ़ रही है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत स्थायी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। उधमपुर की रामनगर तहसील में भी इन दिनों प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पत्था से रंग गांव तक सड़क के निर्माण का कार्य जारी है। इससे गाँव वासी काफी खुश है और उन्हें उम्मीद है कि सड़क बनने से उनकी जिंदगी भी रफ्तार पकड़ेगी। पिछले 6 महीने से कार्यरत हूँ यहाँ रामनगर डिवीज़न में सतीश भगत एक कार्यकारी अभियंता के रूप में। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ हूँ PMGSY की, जो एक केंद्रीय सरकार की प्रायोजित हमारी जो एक ये एक स्कीम है, योजना है। तो इसके तहत हमारे यहाँ इलाके में 167 जो हैं 167 टोटल स्कीम्स हैं और लगभग उसमें हमारी 310 किलोमीटर जो है हमारा ब्लैक टॉपिंग का उद्देश्य रहा। उसमें हमने 290 जो है वो फिलहाल हमारे जो है वो एक्टिव हमारी जो फॉरेस्ट फ्री टोटल हमारी जो स्कीम्स हैं वो हैं, जिसमें हमने रिसेंटली पिछले साल मानिए 100-150 के करीब हमने ब्लैक टॉपिंग की। उसमें हमारी कुछ नई रोडें थी, फेयर वेदर थी, वो भी की। और इस साल का जो हमारा टारगेट है वो लगभग 150 किलोमीटर के करीब समझो और है, जिसमें हम अप्रैल तक करीब करीब 60 किलोमीटर के करीब हम ब्लैक टॉपिंग करेंगे। जैसा आपने पूछा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात जो है, तो रूरल पॉपुलेशन में लगभग हमारी सड़कों की वजह से हमारे सड़कों के मतलब जाल पूरे हमारे रामनगर एरिया में एक जाल सा बिछा हुआ है, जिसमें लगभग हमारी 30% युवा या बेरोजगार युवक या हमारे जो मजदूर तबका है वो उससे बेनिफिट लेते हैं, काम करते हैं और उनको रोजगार का एक अच्छा खासा साधन मिलता है। Thank you.